أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم व्यूअर्स, आपको फाल्कन गवादर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मवाज़ात के हवाले से एक सीरीज शुरू की हुई है, आज हम बात करेंगे मौज़ा रोबार के बारे में। मौज़ा के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम उसकी हदूद देखते हैं, उसके मास्टर प्लान पे जो कैटेगरीज हैं उनको हम चेक करते हैं, और फिर उसके बाद जो उसकी अहमियत है, स्ट्रेटजिक जो उसकी पोजीशन है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ जो कैटेगरीज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं मास्टर प्लान के हवाले से। आपको वजह तस्मिया उस मौज़े की कि उसका मौज़े का नाम कैसे ये पड़ा, जो भी उसका नाम है। तो आज हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे रोबार के बारे में। रोबार की बात शुरू करने से पहले मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि जो दोस्त अभी नए तशरीफ़ लाए हैं चैनल पर, उनको रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकान को लाजम प्रेस फरमा लें, ताकि आने वाले वक्त में जो हम गवादर के हवाले से वीडियोस बनाएं वो आसानी से आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले अर्ज़ करते हैं इसकी वजह तस्मिया। रोबार की वजह तस्मिया इसके नाम के अंदर है। रोबा बलोची में कहते हैं लोमड़ी को। तो ये रोबार इस वजह से इसका नाम पड़ा कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोमड़ियाँ रहती थी, और लोमड़ियों के मस्कन की वजह से इसका नाम रोबार पड़ गया। क्योंकि इसकी एक साइड पर पहाड़ मौजूद है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोमड़ियों की तादाद बहुत कसीर थी, जिस वजह से इसका ये वजह तस्मिया रोबार पड़ा। माशाल्लाह वहाँ एक बड़ी मस्ती बस्ती मौजूद है, बड़ी आबादी मौजूद है, जहाँ पानी बिजली और तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं, और यहाँ एक स्कूल भी मौजूद है। और इनका जो रोबार का जो रास्ता है ये पिशकान से भी जाता है, और आजकल पलेरी से भी रास्ता बना हुआ है। तो हम इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद हम जब डिस्कस करेंगे मास्टर प्लान के ऊपर, तो आपको इसकी अहमियत का एहसास होगा कि ये कैसे अहम मौज़ा है और इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। चलते हैं हम कंप्यूटर की तरफ, और मज़ीद हम चीज़ें कंप्यूटर पर डिस्कस करते हैं कि इस मौज़ा की क्या अहमियत मास्टर प्लान के हवाले से है, और इसकी लोकेशन किस तरह है, इसके शर्कन गरबन शुमालन जनूबन कौन कौन से मौज़े वकूफ़ पज़ीर हैं, और इसकी जो अहमियत है स्ट्रेटजिक वो किस तरह है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और बाकी हम चीज़ें कंप्यूटर पर डिस्कस करते हैं। जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मास्टर प्लान के उस हिस्से पर जहां आपको रोबार लिखा हुआ नज़र आ सकता है। रोबार की एक साइड पर ये मुकम्मल पहाड़ी मौजूद है, और दूसरी साइड रोबार की प्लेन है। आप देख सकते हैं, अगर कैटेगरीज़ की हम बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो RL2 है, लेकिन इसमें छोटा सा जो ब्लॉक है ये RL1 का है। ये तकरीबन आधे पौने किलोमीटर के करीब ब्लॉक बनता है। फिर दूसरा जो ब्लॉक है उसका कुछ हिस्सा RL1 का, ये भी रोबार में आ रहा है, और बाकी हिस्सा जबादगन में आता है। और इसकी अगर हम सरहदात की बात करें रोबार की, तो इसकी मशरकी जो सरहद है वो प्राइंतोक के साथ मिलती है, और इसकी शुमाली जो सरहद है वो जबादगन के साथ मिलती है, जबादगन है। और फिर इसकी जो अगर मगरबी सरहद आप देखें तो ये मौज़ा खरकोशकी के साथ इसकी सरहद जा के मिलती है शुमाली कोने पे, और फिर अगर जनूबी कोने पे हम देखें तो कुछ इलाका जो है बंदी का है वो आके मिलता है रोबार के साथ, जहाँ ये सरहद भी बनती है। क्योंकि जो इसकी मगरब वाली साइड है रोबार की, वो फिर मौज़ा जो खरगोशकी या बंदी है, ये दोनों मौज़े तहसील जीवानी के मौज़े हैं, और रोबार तहसील गवादर का मौज़ा है। लेकिन इसकी शुमाली साइड पर जबादगन भी गवादर का मौज़ा है। फिर उसके बाद इसके जो मशरकी साइड है प्राइंतोक भी तहसील गवादर का मौज़ा है, लेकिन तहसील गवादर का ये एंड पॉइंट है, इससे आगे फिर तहसील गवादर ख़त्म हो जाती है। तो फिर उसके बाद अगर हम इसके एक्सेस की बात करें तो एक रास्ता इसका ये पलेरी से आता है, पलेरी से एक रोड निकला हुआ है प्राइंतोक से होता हुआ ये रोबार को जाता है। फिर एक रास्ता इसका पिशकान से होता हुआ, ये पिशकान वाला जो एरिया है ये 0 पॉइंट आप इसको कह सकते हैं, और यहाँ से ये राउंड अबाउट से एक रास्ता निकलता है सीधा पलेरी की तरफ, यहाँ से फिर शाबी से होता हुआ प्राइंतोक से होता हुआ ये रोबार में पहुँचता है। ये रास्ता भी बहुत पुराना रास्ता है, और ये रोबार के लोगों के इस्तेमाल में आता रहा है, और अब तक भी लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो रास्ता इस्तेमाल होता है वो पलेरी वाला इस्तेमाल होता है एक्सेस के लिए।
क्योंकि ये रास्ता पक्का बना हुआ है, अच्छा रास्ता बना हुआ है, तो इस वजह से लोग इस रास्ते को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। रोबार में एक बड़ी बस्ती मौजूद है, आबादी मौजूद है, और इस आबादी में स्कूल मौजूद है, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी की छोटी मोटी दुकानें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अच्छी खासी आबादी यहाँ पर मौजूद है रोबार की। और यहाँ के लोग अपने आप को रोबारी कहलवाना पसंद करते हैं, और बहुत ही बाइज़्ज़त और बहुत बाइखलाक लोग हैं यहाँ के। तो ये रोबार का तारुफ था, और ये रोबार का आपको नक्शा भी नज़र आ रहा है, जो मौज़े का नक्शा है। मज़ीद अगर कोई आपके सवालात हों तो आप चैनल पर मैसेज फरमा सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके सवालात का जवाब दूँ। जी दोस्तों, ये था मौज़ा रोबार का तारुफ। मौज़ा रोबार भी एक इंतहाई अहमियत का हामिल मौज़ा है। इसकी बुनियादी वजह जो ग्वादर की सरहदात हैं वो इस पे आके ग्वादर की सरहदात ख़त्म होती हैं, तो इस वजह से ये ग्वादर का एक इंतहाई अहमियत का हामिल मौज़ा है। साइड्स हैं वो भी इंतहाई अहम है। शुमाली साइड पर ज़बाडन है, ज़बाडन बिल्कुल सीधा प्लेन और चटियल मैदान इलाका है, और वहाँ भी काफ़ी अभी हाउसिंग स्कीमें भी लॉन्च हो चुके हैं। फिर उसके बाद पलेरी आता है, पलेरी में अच्छी खासी आबादी मौजूद है, और यहाँ सादात का मस्कन है। तो हम इंशाल्लाह ताला पलेरी को जब डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें तफसील के साथ आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये ज़बादरन का तारुफ था। उम्मीद है आपको ज़बादरन की नक्शे और महल वकूह की समझ आ चुकी होगी। अगर मज़ीद आपके कुछ सवालात हों तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल पर अपने सवालात किया करें, ताकि मैं इंशाल्लाह ताला उनके आपको जवाबात दूँ। जो भी आपके सवालात होंगे इंशाल्लाह ताला मैं आपको सेटिस्फाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये ज़बादरन का मुकम्मल तारुफ था। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। इस वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।